विधानसभा चुनावों के चलते अब सरकारी विभागों में पूरी तरह से सन्नाटा बिखरा नजर आ रहा है। यहां अधिकारी और कर्मचारियों के चुनावों में व्यस्त होने के कारण ना तो आवेदक ही नजर आ रहे हैं और ना ही शिकायतकर्ता। मथुरा जनपद में विधानसभा 2022 के अंतर्गत पहले चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी, जिसे लेकर पूरा सरकारी अमला व्यवस्थित और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में जुट गया है। सभी विभागीय अधिकारियों के चुनाव प्रक्रिया में लग जाने के कारण अब विभागों में सन्नाटा नजर आने लगा है। आलम यह है कि हमेशा अपने कार्य को लेकर आने वाले आवेदकों की भीड़ से गुलजार रहने वाला जनपद के डूडा कार्यालय भी अब खाली खाली सा नजर आने लगा है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना, स्वरोजगार योजना समेत अन्य योजनाओं के लिए कार्यालय में प्रतिदिन आने वाले दर्जनों आवेदकों की भीड़ अब गायब हो गई है, तो वहीं अब कार्यालय में कर्मचारियों की कमी भी साफ दिखाई देने लगी है। हालांकि आचार संहिता लागू होने के कारण विभिन्न योजनाओं में नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों की अनुपस्थिति भी आवेदकों के कार्यालय में न आने का कारण मानी जा रही है। अरे वाह, क्या बात है! आपके तो कपड़े और बर्तन बिल्कुल नए की तरह चमक रहे हैं। क्या कोई जादू किया है क्या? हाँ बहन, गोगा वॉशिंग पाउडर व साबुन आ गया है ना, ये सब उसी का कमाल है। अच्छा? हाँ, एक बार तुम भी इस्तेमाल करके देखो, ये कपड़ों के साथ साथ हाथों को भी कोमल रखता है। क्या खारे पानी में भी काम करता है? हाँ बहन, खारे पानी में भी कपड़ों को देता है चमकदार धुलाई। ना मानो तो आजमा लो। तो अब मैल का सफाया होगा गोगा वॉशिंग पाउडर जहाँ होगा। खबरों में अभी इतना ही। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल G9 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। फॉलो अस ऑन फेसबुक G9 न्यूज, ट्विटर @G9 News, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम G9 न्यूज, विजिट अस ऑन आवर वेबसाइट www.g9.in।